हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम है, अभी मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। वो खड़ी है हमारी चमचमाती न्यू टाटा पंच, जिससे आज हम जाने वाले हैं विंध्याचल माता का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बाकी सब लोगों का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे ये रही मेरी बड़ी माँ और ये रही मेरी मम्मी और हम अब ये रही हमारी छोटी बहन। ये रहे सारी फैमिली मेंबर। इतने सारे लोगों के साथ हम लोग आज निकलने वाले हैं विंध्याचल माता का दर्शन करने के लिए। बिना नहाया तो वाला लड़का। अरे हम मेरा भी मन था गंगा जी में नहाना। बैठो ये तुम गाड़ी में बैठ जा रहे हो। बैठो जल्दी बैठो। सुबह का टाइम था, मौसम भी बहुत ही अच्छा था और रास्ता भी क्लियर था। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे हम सब लोग हमारे मिर्जापुर साइड में बहुत सारे पहाड़ हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आंचल अपने सारे ज्वेलरी निकाल रही है पहनने के लिए, जैसे इयररिंग्स वगैरह। उसके बाद अब स्टार्ट होगा बहन का मेकअप। चलती हुई गाड़ी में मेकअप तो करना पॉसिबल है, सबसे मुश्किल काम होता है लिपस्टिक लगाना। बहुत मेहनत के बाद आंचल की आधी लिपस्टिक कंप्लीट हो गई है, अब आधा लगाना बाकी ही है। अच्छा आज मौसम कितना अच्छा है ना। ये आज लिपस्टिक लगा रही है, उधर मेकअप हो रहा है बहन का। यहाँ पे भाई लोग रास्ता पूछ रहे थे कि कैसे कैसे जाना है, तब अंकल ने हमें बताया। बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं मंदिर में। ये सारी दुकानें दिख रही हैं। यहाँ पे हम लोग को पता नहीं था कि कार पार्किंग में कहाँ लगाते हैं, तो वहीं पे एक भैया दिखे, वहीं से उन्हीं से हम लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पे हम लोग अपनी कार को पार्किंग में लगा के अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। उसके कंधे पे हाथ रख के कुछ नहीं बोल रही है तू। यहाँ पे मम्मी और भाई लोग बैठे प्रसाद लेने के लिए, मैं और मेरी बहन उन लोग का वेट कर रहे हैं। ये कितना मस्त दिया है ना। ये रहा मंदिर का मेन गेट। यहाँ पे एंट्री करते समय एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आया और बोला टीका लगवाने के लिए, तो हम सब लोग उससे टीका लगवा रहे हैं। इधर इधर इन लोगों का भी लगा, बड़ी मम्मी को। ये बनाने के साथ ऐसे दिखा दिया, कितना अच्छा लगता है कि दिया है। ये इसका बना घूम कर
यहाँ पे सब लोग आगे आगे चल रहे हैं, मेरी बड़ी मम्मी, मम्मी, भाई लोग, और मैं पीछे पीछे उन लोग का वीडियो बनाते हुए चल रही हूँ। यहाँ पे मंदिर के किनारे पे हम लोगों ने निकाले अपने सैंडल, उसके बाद हम लोग मंदिर में चल दिए दर्शन करने के लिए। चूँकि सुबह का समय था तो मंदिर में उतना भीड़ नहीं था, हम लोग सोचे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, उस हिसाब से बहुत ही कम भीड़ था। यहाँ पे हम सब लोग लाइन में लगे हुए थे मंदिर में प्रवेश करने के लिए। यहाँ पे मैं और मेरी बहन जो मंदिर में चढ़ाने के लिए रक्षा मिला था उसको बांध रहे थे। अपना अपना रक्षा बांधने के बाद हम लोगों ने मंदिर में कुछ फ़ोटो क्लिक कराए, उसके बाद मैं मम्मी और बड़ी मम्मी का आशीर्वाद ली। यहाँ पे हम चारों बहन भाई लोग मंदिर पे स्वास्तिक बनाने लगे थे। स्वास्तिक बनाने के बाद मम्मी हमें बता रही थी कि यहाँ पे 5 बार पैर छूना होता है, तो मेरा भाई पैर छू रहा था। फोटो वोटो क्लिक कराने के बाद हम सभी लोगों ने एक साथ मंदिर की 5 बार परिक्रमा पूरी किया। जैसे ही हमारी परिक्रमा कंप्लीट हुई उसके बाद हम नीचे आ गए। अब हम लोग तैयारी कर रहे थे बाहर जाने के लिए। यहाँ पे बाहर बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी थी जहाँ पे सुंदर सुंदर चूड़ी, बिंदी, यही सारी चीज़ें मिल रहा था। यहाँ पर इतने सारे सुंदर सुंदर सिंगोरे मिल रहे थे। यहाँ से हम लोगों ने देवी माता का एक सुंदर सा मूर्ति लिया घर के मंदिर में रखने के। हम लोग का दर्शन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने कार के पास। Thank you.
मंदिर से बाहर निकलकर हम सब लोगों ने गर्मा गर्म एक कड़क चाय पिया और सब लोग बैठ के आराम से चाय पीते पीते बातें भी कर रहे थे। उसके बाद हम सब लोग निकल गए नेक्स्ट मंदिर अष्टभुजा धाम और काली खो पर माता का दर्शन करने के लिए, जो विंध्याचल मंदिर से मात्र 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पे ही था। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बार बार बोलो जय माता दी। अरे मैं जाके बैठ गई, यहाँ से देखा ये है वो साइनिंग बोर्ड जहाँ से हमें अष्टभुजा धाम मंदिर के लिए टर्न करना था। इधर का लोकेशन बहुत ही प्यारा था, हम लोग जंगल पहाड़ इत्यादि जगह से होते हुए गुजर रहे थे जो देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। ये हम लोग पहुँच गए काली खो मंदिर पे, यहाँ पे भी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। अब हम लोग निकल गए हैं अष्टभुजा धाम पे माता का दर्शन करने के लिए। यहाँ रास्ते में जाते समय भी सुंदर सुंदर दुकानें पड़ रही थी जहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें दिख रही थी। यहाँ पे मैं सब कुछ वीडियो में कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रही थी, बाकी सारे लोग आगे निकल गए हैं, यहाँ पे मैं ही सबसे पीछे हूँ। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर माता की मूर्ति, माता की चुनरी मिल रही थी। अब हम लोग फाइनली मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन लगी हुई थी, यहाँ पे भाई लोग भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से लाइन धीरे धीरे आगे बढ़े और हम लोग भी आगे चलें। आधे घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं। दर्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ का लोकेशन बहुत प्यारा था तो यहाँ पे मैंने एक आग दो ठो रील शूट करवाया था। यहाँ पे हम लोगों ने मम्मी से वीडियो शूट कराया था जो कैमरे को हिला डुला के हम लोग की वीडियो शूट कर रही थी। ये है बाहर से मंदिर का भव्य नज़ारा। सारी जगह का दर्शन कंप्लीट करने के बाद फाइनली अब हम अपने घर के लिए निकल गए हैं। बाय, बाय, बाय।